फिर भी एक महीने की क्या इनकम कर लेते हो थोड़ी बहुत आप खर्चा पानी निकाल के, टन का मतलब वो टन के हिसाब से चलता है, इस हिसाब से मार्केट में इसकी वैल्यू हो सकती है आने वाले टाइम पर। देखें पीछे लड़की का तो मुझे नहीं पता, ये आपने गाड़ी फ्री करी विष्णु भाई, एक भी बार ऐसा हुआ कि घर से आपको देना पड़ा? ये तो मतलब पक्के माल से भी कम भाड़ा होगा। तो शुरू से मोटर मालिक हैं आप, ड्राइवर बने ही नहीं 8 साल में। आपने उसकी जो सर्विस कराई है विष्णु भाई, पूरी कंपनी में कराई है बाहर? लेकिन अगर माल 12 टन का ही है तो आप ले जाए 10 टायर में, ऐसा क्या फायदा है फिर उसका? हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। सबसे पहले रेड बुल। क्या नाम है भाई आपका? गुरु। हाँ गुरु, गुरु भाई, गुरु भाई, गुरु भाई का ये ट्रक है। अंदर हमारे एक और भाई, उनका क्या नाम है? विष्णु गुर्जर। आपका नाम है गुरु गुर्जर, उनका नाम है विष्णु गुर्जर। विष्णु भाई अभी अंदर चलते हैं, अंदर बैठिए, आप बाहर से दिखा दूँ, बहुत खूबसूरत है। 10 टायर की आपकी डिमांड आई थी, तभी मार्केट पूछते हैं तो कैसा है कैसा नहीं। राजस्थानी भाई लोग हैं हमारे, गुर्जर हैं। देखिए मॉडिफाई कितना अच्छा करके रखा है, और ये है 2818C। इंजन के बारे में थोड़ा बहुत बता दूं मैं आपको, इसमें 5.9 लीटर का ही क्यूमिंस का ISB इंजन आता है, 5883 cc का इंजन आता है, 177 की मैक्स पावर आती है इसमें, और 700 Nm का टॉर्क आता है। 28,500 मतलब 28,000 kg पूरा ग्रॉस व्हीकल वेट है इसका, 20,000 kg पासिंग आता है, मतलब 20 टन पासिंग आता है, 28,000 पूरा वजन। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5, 2, 10 टायर ट्रक, और कितना खूबसूरत भाई ने मॉडिफाई करके रखा है। नीचे देखेंगे आप, यहाँ पर रिफ्लेक्टर वगैरह लगा के रखे हैं, बहुत कुछ दिखा के रखा है। जैसे ऐसे में प्रोफाइल ले जाता हूँ, दिखाता हूँ मैं। अलॉन बट हैप्पी वगैरह मूछ वूछ बनवा के रखी है। देखिए पूरी प्रोफाइल देखिए, फ्रूट किंग, गुर्जर किंग लिखा हुआ, फ्रूट किंग की जगह फ्रूट किंग भी लिखा रहता है। सिद्धू मूसेवाला का फोटो बना हुआ है यहाँ पे पाजी का, और यहाँ पे रेडियम वर्क आप देख सकते हैं भाई ने बहुत खूबसूरत बना के रखा है। व्हील कवर बहुत खूबसूरत है इसके, और यहाँ देखोगे तो व्हील कवर वाला कलर का टच यहाँ पे आ जाएगा, पट्टी लगा के रखे हैं। डीजल टैंक यहाँ पे, प्रेशर टैंक दो बड़े बड़े देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए व्हील कवर बड़े अट्रैक्टिव से लग रहे हैं, थोड़ा सा खिला खिला कलर है ना। यहाँ पे स्पेयर व्हील लगा हुआ है, वही भी पूरा ढका हुआ है, क्योंकि ये रोड भी साफ होता रहा, टायर भी साफ होता रहा, दोनों चीज़ें आए हैं। पीछे देखिए आप क्या क्या बना रखे हैं, पीछे लड़की का तो मुझे नहीं पता, ये जैकलिन फर्नांडिस है। बाकी इधर से प्रोफाइल दिखाऊं तो इधर भी देखेंगे आप, तो देखिए सेम तरीके की प्रोफाइल है। व्हील कवर बहुत खूबसूरत है, रेडियम वर्क अच्छा है, एड ब्लू टैंक यहाँ पे 190 लीटर, मुझे डीजल टैंक का एक्जैक्टली पता नहीं कितने लीटर का डीजल टैंक है यहाँ पे। मैं अंदर जाता हूँ, अंदर भाई का ट्रक दिखाता हूँ, वहाँ से बातचीत करते हैं भाई से। ये है भाई का ट्रक अंदर से, और टान टान टाइप है ये हल्की सी, लेकिन यहाँ पर सर टकराता होगा आपका बैठने में थोड़ा सा। हाँ ये ऊँचा है थोड़ा, है ना, ये तो ऐसे बना हुआ आया होगा। ये बॉडी कहाँ की बनी हुई है आपकी? दिल्ली। दिल्ली की बनी हुई बॉडी है ये, लेकिन ये बहुत ज्यादा तामझाम हो गया, तो थोड़ा छोटा नहीं लगता केबिन विष्णु भाई? छोटा है ना। विष्णु भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका, रेड बुल पी रहे हैं विष्णु भाई। विष्णु भाई भी रेड बुल पी रहे हैं, भाई भी हमारे रेड बुल पी रहे हैं। आप दोनों राजस्थान के हैं? एमपी मुरैना के हैं। वही आप मोटर मालिक हैं आप लोग? शुरू से मोटर मालिक हैं या पहले ड्राइवर थे फिर मोटर मालिक बने? नहीं शुरू से ही। शुरू से ही? कब से हैं इस लाइन में आप? 12 साल। आपको 12 साल? और गुरु भाई आपको? 3-4 साल। मतलब ये सीखने के तौर पे आए गुरु भाई। विष्णु भाई आपको 12 साल हो गए मतलब इस लाइन में, और शुरू से मोटर मालिक हैं आप, ड्राइवर बने ही नहीं? ये चाचा पे थी हमारे पे गाड़ी, चाचा पे गाड़ी थी। तो विष्णु भाई अभी आप 10 टायर गाड़ी चला रहे हो, 10 टायर बहुत कम दिखती है गाड़ियाँ, मतलब अभी 6 टायर हो, 12 भी है। 12 चक्का भी आपके पास? वो कौन थी? वो भी टाटा है? टाटा, सब टाटा। ये 2818 आती है टाटा, इसमें 2518 भी आती है ना? हाँ पहले 2518 थी। हाँ ये 2818 वो सादा थी, ये अब यूरिया वाली आ गई ना। अच्छा यूरिया वाली आ गई, प्रॉपर 20 टन पासिंग आ जाती है ये गाड़ी। तो इसका मार्केट किस चीज पे है विष्णु भाई अभी, मतलब क्योंकि 10 टायर का मार्केट आप बताइए ना थोड़ा। कच्चे माल, सिर्फ कच्चे माल पे, पक्के पे नहीं चल सकती। लेकिन 20 टन में इसमें ये फायदा है कि जो 15-15, 12-12 टन वाली गाड़ी आती है कच्चे माल वाली, उनसे ज्यादा माल ही ले जा सकती है। लेकिन अगर माल 12 टन का ही है तो आप ले जाते हो कभी इसमें? जैसे मान लो तो उसमें तो फिर आपको फायदा नहीं होता होगा ना, खर्चा ज्यादा लगता होगा ना? नहीं नहीं, खर्चा उतना ही रहता है जैसा भाड़ा होता है, भाड़ा नहीं है तो। ये आपने नया लिया था? कितने का लिया था विष्णु भाई? ये तो फाइनेंस कराया था। कितने का पड़ा था आपको ये? समझो 28। 28 लाख का टोटल, मतलब सब मिला मिलू तो आपने डाउन पेमेंट कितना करा था विष्णु भाई? कुछ भी नहीं। अच्छा जीरो पे मिल गया होगा आपको? कितनी किस्त आती है इसकी? 53,000। आपके पास कितना टाइम हो गया विष्णु भाई इसको? इसको 5 साल हो गए, फ्री हो गई। अच्छा गाड़ी फ्री हो गई, 5 साल हो गए। हाँ। तो ये जितने 5 साल में जब आपने गाड़ी फ्री करी विष्णु भाई, एक भी बार ऐसा हुआ कि घर से आपको देना पड़ा? नहीं। नहीं ना दिया ना लिया, पूरा अपना, पूरा आपने खुद से मैनेज करके चलाया। और आपने 5 साल इस गाड़ी को खुद ही चलाया कि चलवाया भी आपने? खुद ही चला। यार तो अच्छी बात है, फ्री भी कर ली। जैसे अभी आप महीने में कितनी ट्रिप मार देते हैं विष्णु भाई इससे? चार ट्रिप मार देते। क्या माइलेज एवरेज निकालता है आपका ट्रक? चार का एवरेज दे देता है लोड पे?
और जैसे खाली जाते हैं तो क्या लोड तो अंदर लोड ही है, 20 टन से ज्यादा भरते नहीं। हाँ तो 20 टन पे 4 का एवरेज आ जाता है इसका। अब ये 5 साल में आपने उसकी जो सर्विस कराई है विष्णु भाई, पूरी कंपनी में कराई है बाहर भी कराई? कंपनी कराई है। क्या खर्चा बैठता है एक सर्विस में? बहुत खर्चा बैठता है। अरे बहुत कितना? बड़ी सर्विस होती है 50 की, छोटी होती है 30 की। अच्छा, मतलब 5 साल में कोई भी बड़ा खर्चा निकला विष्णु भाई इसमें? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। अभी जैसे आपने बताया महीने में 4 ट्रिप मार देते हैं विष्णु भाई, अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? आगरा। आगरा से आ रहे हैं? आगरा से भोपाल के लिए माल लेके आ रहे हैं। कितना किलोमीटर पड़ता है भाई आगरा से भोपाल? आगरा से आगरा तुम्हारा 500 किलोमीटर भोपाल पड़ेगा। तो 500 किलोमीटर का क्या भाड़ा लगा होगा आपको इसका? 100 रुपये। 100 रुपये कच्चे माल का? 100 रुपये क्विंटल, मतलब 1000 रुपये टन। अरे भाई ये तो मतलब पक्के माल से भी कम भाड़ा हो गया। इधर उधर से माल नहीं है ना अभी, आगरा से माल नहीं है उधर से कोई। तो भोपाल से क्या लेके जाएंगे फिर आप? अभी यहाँ से गल्ला गेहूँ। गेहूँ ये कहाँ के लिए? महाराष्ट्र। भोपाल से महाराष्ट्र मेरे ख्याल से 800-900 किलोमीटर पड़ेगा आपको? नहीं, यहाँ से जाएंगे हम 400 किलोमीटर, महाराष्ट्र में बस थोड़ा सा ही जाएंगे। अच्छा, तो वो उसका क्या पड़ेगा आपको? बैतूल से अब यहाँ से जो भी मिल जाए 100 रुपये, 90, 100 रुपये। तो अभी आपकी गाड़ी फ्री हो गई इसलिए आप कम में ले जाते हो या फिर मतलब ये कम ही रेट ही चल रहा है? रेट ही है आप। यार विष्णु भाई रेट तो अभी बहुत इधर से टाइट है उधर। इधर से क्या ले जाते हो? इधर से तो केला ले जाए। कहाँ के लिए ले जाते हो केला? यूपी। भोपाल से? नहीं, बरहानपुर। बरहानपुर साउदा से। केले का क्या रेट लेते हो? केला का रेट है अभी 50 आगरा। 50,000? 10 टन। 10 टन का मतलब वो टन के हिसाब से चलता है। तो महीने में एक बार तो आप केला ले जाते होंगे कहीं ना कहीं? नहीं, साउदा से परमानेंट। इधर से केला और इधर से आप यूपी से आलू इधर एमपी के लिए? मतलब ज्यादातर आप ये चलते हो यूपी से जो आलू लेके आते हो भोपाल के लिए? नहीं, यूपी से डायरेक्ट महाराष्ट्र। यूपी से डायरेक्ट महाराष्ट्र? नहीं था इसलिए भोपाल लेके। अभी त्योहार की वजह से उधर महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र नहीं था इसलिए भोपाल लेके। तो यूपी से आलू महाराष्ट्र लेके जाते हो फिर वहीं से साउदा पहुंच जाते होंगे, वहां से केला भरते होंगे वो लेके आते होंगे यूपी। तो बस यही लाइन पे चलते हो? तो ट्रांसपोर्टर से चलते हो आप? किस चीज से चलते हो? टोटल ट्रांसपोर्टर से चल रहे। क्या कमीशन देते हैं वो? जो कमीशन है 1000-1200 रुपये। तो आपके हिसाब से ये तो बताइए यही यही वाला जो काम आप कर रहे हैं कच्चे माल पे, ये 6 टायर भी कर सकता है यही सेम काम? तो 10 टायर में ऐसा क्या फायदा है फिर उसमें? अब 6 टायर की इतनी मार्केट नहीं है ना। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि वो वजन नहीं, ये वजन ओवरलोड बंद हो गया ना। अच्छा, ओवरलोड बंद हो गया तो ये थोड़ा फायदेमंद है उसके लिए, क्योंकि इसमें आप 12 टन भी ले जाओगे, 15 भी ले जाओगे, 20 भी ले जाओगे। 20 है लेकिन 20 से ऊपर माल नहीं जाएगा इसमें। नहीं जाएगा। अच्छा विष्णु भाई एक बात और बताइए, आपने मतलब इतने साल से ड्राइविंग कर रहे हैं, आप दोनों कर रहे हैं, तो आपको सबसे ज्यादा जो आरटीओ बॉर्डर की परेशानी कहाँ होती है? वो तो अभी ऐसी कोई परेशानी कहीं पे भी नहीं है? ऐसी कोई जगह जहाँ लूट मार वगैरह ज्यादा लगती है आपको? अब तो हर जगह ही है। अब तो हर जगह ही है। आपने 5-7 साल इस लाइन में दे दिए, आप तो खैर शुरू से मोटर मालिक बने हो, ड्राइवर रहे नहीं हो, कैसी लगती है लाइन आपको? अब जो इस लाइन में आ गया वो दूसरा कोई काम ही नहीं है, हमसे होगा नहीं इसी के लिए। नहीं, लाइन कैसी लगती है? लोगों को आना चाहिए नहीं आना चाहिए लाइन में? नहीं है तो अब कुछ नहीं है, पहले इसमें था अब कुछ भी नहीं है अब तो। नहीं तो फिर विष्णु भाई आपने तो ट्रक फ्री कर लिया अभी और बेचा भी नहीं, बहुत सारे लोग इसको बेच देते हैं या रीफाइनेंस करा लेते हैं। नहीं नहीं, हमने ना फाइनेंस करा ना कुछ करा, तो अभी फिर भी एक महीने की क्या इनकम कर लेते होंगे थोड़ी बहुत आप खर्चा पानी निकाल के? निकाल देती है 1,000-1,500। क्या बात कर रहे हैं फ्री होने के बाद? सही है, अच्छा निकाल रही है। और अभी कोई मेंटेनेंस भी नहीं निकालती, तो आप बेचोगे भी नहीं और रिफाइनेंस भी नहीं कराओगे? नहीं कुछ भी। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका ज्यादा टाइम लूंगा, आप लोग जा रहे थे ऐसे रोक लिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद गुरु भाई जो बहुत कम बोले। तो गाइस ये था हमारा वीडियो, भाई लोगों के साथ ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते थे, वो भी थोड़ी देर के लिए रुके थे, बस ये रेडबुल पी के निकलने वाले थे, मैंने बोले भाई थोड़ा सा 8-10 मिनट का आपका टाइम लेना चाहूँगा, तो राजी हो गए थे। तो जो इन्फॉर्मेशन मिल पाई मैंने आपको क्लियरली बता दी 10 टायर की, बाकी 10 टायर और भी मिलेगा तो बता देंगे। लेकिन एक चीज़ पॉइंट मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरा पर्सनल पॉइंट भी सुनते हुए जाइए, वो चीज़ मुझे अच्छी लगी कि वो भाई ने बोला ना कि ओवरलोड बंद हो गया, तो इसमें ये फ़ायदा है कि 12 टन के अलावा 20 टन तक का माल दे सकते हैं, मतलब वो अच्छा है, वो चीज़ अच्छी है, मतलब इस हिसाब से मार्केट में इसकी वैल्यू हो सकती है आने वाले टाइम पर, क्योंकि ओवरलोड बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, तो ये अच्छा है 12 टन भी, 15 टन भी, 20 टन भी ले जा सकते हैं। बाकी गाइस ये था हमारा छोटा मोटा वीडियो, ऊपर तो गाइस वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इसी अमेजिंग वीडियो आपको रेगुलरली देखने को मिलता रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।